कि भूकंप क्यों आता है, क्योंकि ये जो धरती है ना वो एक बैल के सींग पर टिकी हुई है, हॉर्न पर टिकी हुई है, और जब वो बैल बास्केटबॉल खेलने का जब उसे मन करता है तो वो अपने सींग से धरती को उछालकर दूसरी सींग पर जब शिफ्ट करता है तब भूकंप आता है। हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम। वेलकम टू मोस्ट अवेटेड पार्ट, पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमेनन। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें यार कि हमने क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेनन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बटन, या आप नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियोस की लिंक पा सकते हो जो वीडियोस हमने अभी तक क्लास 8 के लिए बनाई है। सो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच दैट वीडियो नाउ नाउ एंड नाउ। अब ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, रीजन क्या है अर्थक्वेक के आने का, और अगर भूकंप आता भी है तो हम अपने आप को अर्थक्वेक से कैसे बचा सकते हैं, अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, इन चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। यार बिफोर स्टार्टिंग मैं बता दूं आपको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो यार कर दो, और घंटे को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ना तुम्हें मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमें यहां से स्टार्ट करना है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर फर्स्ट सेकेंड पार्ट को देखे तब वो थर्ड पार्ट पे आए। नाउ व्हाट इज एन अर्थक्वेक? सीधा सिंपल सा सरल सा प्रश्न है कि अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक अचानक से धरती का हिलना या कांपना, इस चीज को हम अर्थक्वेक कहते हैं, और ये बहुत थोड़े समय के लिए आता है, 10-15 सेकंड के लिए आएगा, लेकिन बहुत भारी नुकसान करता है। तो अर्थक्वेक की डिफिनेशन याद हो गई, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, अचानक धरती का हिलना या कांपना जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है, इसे हम अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाई ए डिस्टर्बेंस डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट। अब कोई हमसे पूछा कि भाई साहब भूकंप क्यों आता है, तो भूकंप क्यों आता है क्या बताओगे आप? हम बताएंगे कि जब हमारे धरती के क्रस्ट के, जब हमारे धरती के सतह के नीचे कोई डिस्टरबेंस होती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो हम कहते हैं भाई कि भूकंप आ गया ऊपर। कैसे आता है इसको हम थोड़ा एलोबोरेट करके अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले आगे यहां पर पढ़ लो, देखो क्या है कि अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम। कहा गया है कि जो भूकंप है ना वो हमेशा आता है, अभी भी भूकंप आ रहा है, ऑल ओवर द अर्थ, पूरी धरती पे ना हर समय छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। ये इतने छोटे होते हैं, इनके झटके इतने छोटे होते हैं, इनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि भूकंप आया है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रेक्वेंट, लेकिन जो बड़े अर्थक्वेक्स हैं, जो बड़े भूकंप के झटके हैं जिनसे भारी नुकसान होता है, वो बहुत कम आते हैं, वो लेस फ्रेक्वेंट है। गॉट इट? चलो, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। और अगर सचमुच का भूकंप का झटका आ गया ना, तो क्या हो सकता है, ये बिल्डिंग्स को गिरा सकता है, ब्रिजेस को तोड़ सकता है, यहां तक कि जो नदियों पे डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं ना भूकंप की वजह से, वो भी टूट सकता है, इंसानों की भी जान जा सकती है। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इंसान की जान तो जाएगी ही जाएगी भूकंप आने से, इसके साथ साथ इंसान द्वारा जो प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, कोई भी चीज हो गई, आपने बिल्डिंग बनाई है, आपने घर बनाया है, आपने स्कूल बनाया है, वो भूकंप की वजह से टूट सकता है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स। भूकंप आने की वजह से केवल इंसान को ही दिक्कत नहीं होती, बल्कि भाई पूरे दुनिया में डिस्टरबेंस हो जाती है। क्या होता है, हर जगह बाढ़ आने लगते हैं, जहां पर भूकंप आया है समझ लो वहां पर बाढ़ आने वाला है, फ्लड्स आने वाला है। लैंडस्लाइड्स, पहाड़ों के ऊपर की जो मिट्टियां होती हैं, या जो पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो टूट के नीचे गिरने लगते हैं, नीचे रहने वाली जगहों पर गिरने लगते हैं। आप देख रहे हो फिगर में, ये है लैंडस्लाइड का पिक्चर, यहां पर ऊपर का जो पहाड़ है ना वो खिसक के नीचे आ गया है, तो इसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक की वजह से सुनामीज भी आ सकती हैं, प्रलय जिसे हम कहते हैं। सुनामी क्या होता है, समुद्र का पानी थोड़ा पीछे जाता है,
ठीक है, और उसके बाद झटके से आगे आता है, जिससे समुद्र के किनारे के 15-20 किलोमीटर के आसपास का जितना क्षेत्र है वो पूरा डूब जाता है, वहां के लोग मर जाते हैं, बहुत बहुत नुकसान होता है, समझ गए। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004, और एक सुनामी का झटका भारत को भी लगा था, एक इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है। इंडियन ओशियन कहाँ पर है, आप ये मैप देख पा रहे हो, इस मैप में ये देख रहे हो, ये है पूरा इंडियन ओशियन, मतलब हमारे इंडिया के नीचे जो पूरा समुद्र है वो है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई थी, कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस, जितने भी किनारे के क्षेत्र थे, जितने भी किनारे के इलाके थे, जैसे भारत के भी कुछ इलाके आए थे इसके चपेट में, थाईलैंड के कुछ इलाके आए थे, बांग्लादेश, म्यांमार, जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उन सभी देशों में ये सुनामी ने इफेक्ट किया था, समझ गए, काफी नुकसान हुआ था, काफी लोग मारे भी गए थे। चलो अब हम एक्टिविटी नंबर 15.6 करेंगे, देख लेते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, आपको करना क्या है, आपको एक दुनिया का नक्शा लेना है, एक वर्ल्ड मैप लेना है आपको। इस वर्ल्ड मैप में आपको ये दिखाना है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कहां पर है, मतलब जो इंडियन ओशियन है, जो ये हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर का, इस इंडियन ओशियन का ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी वाला किनारा कहां पर पड़ता है। उसके बाद आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखो यहां कहीं पर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, उसके बाद कहीं यहां पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, अंडमान आइलैंड यहां पर है, निकोबार आइलैंड उसके जस्ट नीचे है कहीं पर, समझ गए, आपने लोकेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर डैमेज। अब आपको ये तो पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था 2004 में, जो 26 दिसंबर को सुनामी आई थी उसकी वजह से, और कौन कौन से ऐसे देश थे जिनको इस सुनामी का प्रभाव पड़ा था, जिनको इस सुनामी का इफेक्ट पड़ा था। तो भाई बुर्मा, यहाँ पर ये बुर्मा देश कहीं यहाँ पर है, थाईलैंड यहाँ पर कहीं है, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के किनारे पर हैं, उनको 2000 की सुनामी आने की वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ा था, ठीक है। तो इंडिया के अलावा भी और भी बहुत सारे देश थे, आपको उन्हीं कंट्रीज के नेम लिखने थे, मैंने दो तीन बता दिए हैं, बाकी आप सर्च कर सकते हो। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। अब 2004 में 26 दिसंबर को जो सुनामी आई थी, उस सुनामी ने जितनी बर्बादी की थी भारत में, इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछो, अगर उन्हें नहीं पता तो अपने कोई भी बड़ा है, दादा है, दादी है, उनसे पूछो, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर से पूछो, जो आपको 2004 26 दिसंबर में जो सुनामी आई थी, पूछो उन्हें याद है क्या, और अगर याद हो तो ये पूछो कि कितना नुकसान हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, समझ गए कि नहीं। चलो पूछो, यही एक्टिविटी थी हमारी, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आ गया कि व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। भाई हमने बहुत कुछ देख लिया, अब हमें ये देखना है कि भूकंप क्यों आता है, क्यों, रीजन क्या है कि धरती हिलने लगती है। माई ग्रैंड मदर, अब देखो बूझो टकलू क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मेरी दादी माँ है ना, इन्होंने मेरे को बताया था कि जब द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। देख रहे हो भाई, कुछ भी मतलब। अब देखो बूझो की दादी माँ ने बूझो से कहा था कि भूकंप क्यों आता है, क्योंकि ये जो धरती है ना वो एक बैल के सींग पर टिकी हुई है, हॉर्न पर टिकी हुई है, और जब वो बैल बास्केटबॉल खेलने का जब उसे मन करता है तो वो अपने सींग से धरती को उछालकर दूसरी सींग पर जब शिफ्ट करता है तब भूकंप आता है। तो भाई बूजो की दादी ने इसे ये बताया था। बूजो सोच रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो बैल है कि रिंग मास्टर है, धरती को ही इस सींग से उस सींग पर कर दे रहा है, ठीक है। चलो, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। अब देखो पुराने जमाने में ना लोगों को पता नहीं था कि ये भूकंप क्यों आता है, देयर आइडियाज वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज, और इसीलिए ना वो जो पुरानी झूठी कहानियां हुआ करती थी कि भूकंप क्यों आता है, जैसे बुजो की दादी ने इसे एक सुनाई कहानी कि एक बैल है, उसके सींग पर पूरी धरती टिकी हुई है, और जब वो बैल अपने एक सींग से दूसरे सींग पर धरती को शिफ्ट करता है तब भूकंप आता है, ऐसी बहुत सारी झूठी कहानियां हुआ करती थी, मिथिकल स्टोरीज हुआ करती थी जिस पर लोग विश्वास कर लिया करते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अर्थक्वेक क्यों आता है। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द
वर्ल्ड, ऐसे ही और भी कई झूठी कहानियां हैं जो अर्थक्वेक के बारे में सुनाई जाती हैं दुनिया के अलग अलग हिस्से में। चलो अब ये तो बूझो ने कह लिया कि दादी माँ ने ये सुनाया था, अब पहली कह रही है कि चलो मैंने मान लिया कि दादी माँ झूठ बोलती हैं, तो व्हाट कुड कॉज अ डिस्टरबेंस इनसाइड द अर्थ, वो क्या रीजन है जिससे धरती के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाता है और भूकंप आ जाता है। चलो जानते हैं कि नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। आज हम ये जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है, क्योंकि ट्रेमर्स आर कॉज्ड, जो भूकंप के झटके हैं ना वो क्यों आते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है कहां पर, डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये देखो धरती का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसके नीचे ये जो इलाका है, जैसे देखो जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसके नीचे अर्थ के नीचे वाला जो हिस्सा आता है उसे हम मैंटल कहते हैं, याद रखना हमेशा काम आने वाला है। और ये जो ऑरेंज कलर वाला हिस्सा देख रहे हो आप, जो मैंटल के नीचे है उसे हम आउटर कोर कहते हैं, और ये येलो वाला इनर कोर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जहां पर हम रहते हैं हम ये क्रस्ट पर रहते हैं, क्रस्ट के नीचे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हम कहते हैं कि भाई भूकंप आ गया है, ठीक है। चलो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। अब देखो गड़बड़ी क्या होती है, क्या अर्थ के सरफेस के नीचे क्या ऐसा होता है जिससे भूकंप आता है, चलो मैं आपको बताता हूं कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, जो ये अर्थ का क्रस्ट है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इज नॉट इन वन पीस। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टुकड़ा है और एक ही टुकड़े में पूरा अर्थ है, ऐसा नहीं है। इट इज फ्रेगमेंटेड, मतलब इस अर्थ के क्रस्ट के नीचे ना छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इस पूरी धरती को संभाल के रखते हैं, अपने ऊपर उन्होंने भार ले रखा है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल देख लो कि ये है हमारा धरती का क्रस्ट, हमारे अर्थ का सरफेस है ये, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ठीक है, यहां पर कहीं प्लेट्स होता है, ये बहुत सारे प्लेट्स हैं, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, बहुत सारे प्लेट्स हैं। ये क्या होते हैं कि इन्होंने अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के सरफेस को संभाल के रखा हुआ है। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन। अब ये जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट को टक से छू के निकलती है ना, या क्या होता है, अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। या अगर जो ये देखो, हाँ यहां पर देखो बहुत अच्छे से दिया गया, ये अर्थ का क्रस्ट है, मतलब ये अर्थ का वो सरफेस है जहां पर हम रहते हैं, हम इंसान जहां पर रहते हैं, ठीक है। इस अर्थ के क्रस्ट के नीचे एक प्लेट दिख रही है आपको, ये जो सिल्वर कलर है ना, यही यही है प्लेट्स। अब क्या होता है, जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट को छू के निकलती है तब क्या होता है, धरती हिलती है। या जब अगर एक प्लेट, ये वाला प्लेट दूसरे वाले प्लेट से कोलाइड कर जाता है, भिड़ जाता है, तो होता क्या है कि जो एक प्लेट है वो दूसरे वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। जैसे देख रहे हो ये फर्स्ट प्लेट इसके नीचे जा रही है और ये वाला प्लेट इसके ऊपर जा रहा है, जिससे क्या होता है, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ये जो ऊपर वाला सरफेस है इससे डिस्टर्ब हो जाता है और हमें भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब यही गड़बड़ी होती है जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं या जब दो प्लेट्स आपस में छू के एक दूसरे को निकल जाते हैं, यही डिस्टर्बेंस हमें धरती के ऊपर अर्थक्वेक, भूकंप के रूप में दिखाई देती है। अब समझ में आया अर्थक्वेक क्यों आता है। चलो अब यहाँ पर बूझो कुछ पूछ रहा है, बूझो कह रहा है कि इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट वेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। बूझो कह रहा है कि जब हमारे वैज्ञानिकों को, जब हमारे साइंटिस्ट को इतना पता है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, तो क्या हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा। चलो अब हम बूझो को बताते हैं कि ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज नॉट एट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। हालांकि हमें पता है कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप के आने के पीछे कारण क्या है, ये आज हमें पता है, लेकिन ये अब भी पॉसिबल नहीं है कि हम ये पता लगा सकें कि अगला भूकंप कहां पर आएगा, समझ गए। चलो अब यहां पर पहली कुछ पूछ रही है, पहली कह रही है कि आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स। पहली ने कहीं पर पढ़ा हुआ है कि जो जमीन के अंदर धमाके होते हैं,
जमीन के अंदर धमाके क्यों होते हैं? आजकल सारे देश ना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही है, उन्होंने अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हुए हैं। जैसे चाइना आए दिन न्यूक्लियर टेस्टिंग करता रहता है, वो क्या करते हैं, वो जमीन के अंदर अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स को अंदर जमीन के अंदर दफन कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, और जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन के अंदर फटता है तो ऊपर वो भूकंप ले आता है। समझ में आया? ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड। अब हमने ये देखा कि भूकंप क्यों आता है, क्योंकि हमारी धरती के नीचे दो प्लेट्स होते हैं, जब वो आपस में एक दूसरे को छू कर जाते हैं या एक दूसरे से टकरा जाते हैं तब भूकंप आता है, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन और भी कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ, ट्रेमर का मतलब क्या होता है, झटका या कांपना, जो धरती कांपती है या जो धरती हिलती है जिसे हम भूकंप कहते हैं, वो और भी किन कारणों से आ सकता है, वॉल्केनो इरप्ट्स अगर ज्वालामुखी फट जाता है कहीं पर, या मेटियोर अगर कोई धरती पर गिर जाता है। मेटियोर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा उल्का पिंड का मतलब क्या होता है, मेटियोर। अब इसका मतलब समझ लो, कोई आवारा पत्थर है, कोई बड़ा सा एक रॉक है जो स्पेस में ऐसे ही कहीं घूम रहा है, और जब वो धरती के पास से गुजरता है ना, तो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस आवारा पत्थर को जिसे हम मेटियोर कहते हैं उसे अपनी ओर खींच लेता है। और जब इतना बड़ा सा पत्थर धरती के ऊपर गिरेगा तो भाई भूकंप तो आएगा ही। इसके अलावा जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जब अलग अलग देश अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करते हैं जमीन के अंदर, जैसा मैंने अभी बताया, तो जमीन के ऊपर क्या आता है, भूकंप आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। लेकिन अब भी जो ज्यादातर भूकंप होते हैं वो जमीन के अंदर जो प्लेट्स होते हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये प्लेट्स, एक प्लेट दो प्लेट, जब ये आपस में टकराते हैं या जब आपस में एक दूसरे को छूकर निकल जाते हैं, तो ज्यादातर भूकंप ऐसे ही आते हैं। समझ में आया? सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। अब देखो, अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे देखो, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो क्या होता है, जो अर्थ के प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है, ये देख रहे हो, ये बाउंड्रीज, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये क्या होता है, ये वीक जोन्स होते हैं। वीक जोन्स का मतलब क्या है भाई, जहां पर बाउंड्री रहेगी वहीं पर तो प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी, और जहां पर प्लेट एक दूसरे से टकराती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जहां पर दो प्लेट्स टकराई है, ये वो वीक जोन्स होता है, ये कमजोर हिस्सा होता है जहां पर भूकंप आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। इस वीक जोन्स को, इस कमजोर जोन्स को जहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं, उन्हें हम सेस्मिक जोन या फॉल्ट जोन का भी नाम देते हैं। समझ में आया? जहां पर भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं, उस जोन को, उस इलाके को हम फॉल्ट जोन का नाम देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप के झटके यहीं पर महसूस किए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इन इंडिया, अगर भारत की बात करें, तो वो इलाके जो सबसे ज्यादा भूकंप से पीड़ित है, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आता है भारत में, वो है कश्मीर। कश्मीर में भाई अर्थक्वेक आता रहता है। वेस्टर्न एंड सेंटर हिमालयास। अब देखो, हिमालयास कहाँ है, ये वाला जो पूरा रीजन देख रहे हो आप, यहाँ से लेके ये 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 पूरा पहाड़ है, ये हिमालयास है, द ग्रेट हिमालयास जिसे हम कहते हैं। अब देखो, इस ग्रेट हिमालयास का ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम सेंट्रल हिमालयास कहते हैं। जो इधर वाला हिस्सा है, इसको हम वेस्टर्न हिमालयास कहते हैं। और इसके इधर जो है हिस्सा, उसको हम ईस्टर्न हिमालयास कहते हैं। समझ में आया? तो जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयास होता है, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा, यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, मतलब ये पूरा वाला जो पूरा हिस्सा, जहां पर अरुणाचल प्रदेश आता है, जहां पर म्यांमार आता है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, ठीक है, ये सब इलाके बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं। समझ गए? इसके अलावा रैन ऑफ पूछ, रैन ऑफ पूछ, पूछ कहाँ पर है, पूछ एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में,
यहाँ पर कहीं आता है रैन ऑफ कूच। आप फिगर में देख रहे हो, यही इलाका रैन ऑफ कूच कहलाता है। यहाँ पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ हिस्से में इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा के किनारे जितने भी इलाके आते हैं, जैसे हम लोग जहां पर रहते हैं यूपी, यूपी भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आता है, तो यहाँ पर भी भूकंप आने के चांसेस होते हैं। समझ में आया? साउथ इंडिया के भी कुछ हिस्से आते हैं, जैसे जब साउथ इंडिया जाओगे आप नीचे मतलब भारत के निचले वाले हिस्सा में, यहाँ पर साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु कर्नाटका, इनके भी कुछ इलाके भूकंप के झटके आते रहते हैं, इनके भी कुछ इलाके भूकंप के झटके महसूस करते रहते हैं। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। अब जो भूकंप के झटकों की मैग्नीट्यूड मतलब जो भूकंप के झटके हैं वो कितनी तेजी से आए हैं, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। जैसे देखो हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, इसको हम मैग्नीट्यूड में ही मेजर करते हैं। जैसे देखो हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, ये मैग्नीट्यूड है। 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है तो ये भी मैग्नीट्यूड है। सेम ऐसे ही जो भूकंप आता है वो कितने तेजी से आया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको हम रिचर स्केल पर मेजर करते हैं। समझ में आया? अब देखो आप पूछोगे कि भैया रिचर स्केल क्या होता है। रिचर स्केल कोई एक ऐसा स्केल, कोई एक ऐसा मशीन होता है जो भूकंप के झटकों की गति, भूकंप के झटके कितने तेजी से आए हैं, इसको मेजर करने के लिए हम रिचर स्केल का यूज करते हैं। समझ में आया? रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। अब जो बहुत ज्यादा खतरनाक भूकंप के झटके होते हैं जिनके आने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनका जो मैग्नीट्यूड्स होता है वो 7 से ऊपर होता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे देखो हम अपनी गाड़ी अगर 60 के ऊपर चलाएं तो हम अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। सेम ऐसे ही जब अर्थक्वेक्स 7 मैग्नीट्यूड के ऊपर आए तो हम कह सकते हैं कि भाई भूकंप आने से काफी नुकसान हो सकता है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। चाहे गुजरात के भुज में आने वाला अर्थक्वेक हो, चाहे कश्मीर में आने वाला भूकंप हो, दोनों भूकंपों की जो गति होती है, जो मैग्नीट्यूड होती है वो 7.5 से ज्यादा होती है। मतलब अगर भुज में भूकंप आता है या कश्मीर में भूकंप आता है तो इन दोनों जगहों पे जो भूकंप आने की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ पर सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ क्या होता है इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल लिखा गया है, चलो हम आपको बताते हैं। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखो जब भूकंप आता है ना तो जो धरती का सतह होता है, जो धरती का सरफेस होता है ना, वहां पर कुछ ट्रेमर्स, ये देख रहे हो लहरों की तरह वेव्स दिखाई देने लगते हैं। दे आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। इन्हीं वेव्स को हम क्या कहते हैं? इन वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाई द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। अब देखो ये जो वेव्स होते हैं ये हम अपनी खुली आंखों से तो देख नहीं सकते कि भाई हम जमीन के अंदर देख लें ऐसे लहरों की तरह वेव्स आई हैं, इन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं, ऐसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? सेस्मोग्राफ। अब देखो सेस्मोग्राफ कैसे कैसे इन भूकंप के झटकों को लहरों के रूप में रिकॉर्ड करता है उसके बारे में आपको बताता हूं। द इंस्ट्रूमेंट, ये जो सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बहुत ही सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? इसमें केवल एक वाइब्रेटिंग रॉड लगी होती है या केवल एक पेंडुलम लगा होता है। देख रहे हो आप, एक ऐसा सपोर्ट लगा दिया है इसने, इसके बाद ऐसा सपोर्ट लगाया है, उसके बाद इसने इस सपोर्ट में पेंडुलम लगा दिया है। पेंडुलम देख रहे हो, आपके फिजिक्स लैब में भी एक पेंडुलम होगा, ठीक है? तो ये पेंडुलम इसने लगा दिया है। उसके बाद क्या होता है, जब भूकंप के झटके आते हैं ना तो ये जो पेंडुलम है ये इधर 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 हिलने लगता है। समझ में आया? अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। अब इस पेंडुलम के नीचे ना एक पेन लगाया जाता है। इस पेन का क्या काम होता है? द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। अब देख रहे हो ये जो ये व्हाइट वाली चीज दिख रही है ना, ये है पेपर। अब ये जो पेन है जब इस पेपर के टच में रहेगा तो जितना ज्यादा ये पेन हिलेगा उतना ज्यादा पेपर में ग्राफ्स बनते जाएंगे। समझ में आया? द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। ये जो पेन है, इस पेन के नीचे ये जो कागज है, ये जो कागज हमेशा रोल करता रहता है, ऐसे 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 चलता रहता है।
ठीक है, तो जब चलता रहेगा भाई तो ये जो पेन है ये जितनी तेज हिलेगा उतनी लंबी लाइन इस सेस्मोग्राफ के पेज पर बनाएगा। देख पा रहे हो एकदम यहाँ 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 तेजी से हिल रहा है तो लंबी लाइन है, धीरे धीरे हिल रहा है तो छोटी लाइन है। ठीक है, बाई स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। इन्हीं वेव्स को देखकर, इन्हीं लाइंस को देखकर ना जो वैज्ञानिक होते हैं वो पूरा अर्थक्वेक का एक मैप बनाते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ पर ये जो अर्थक्वेक का मैप बनाया गया है ना वो इसी सेस्मोग्राफ के इंस्ट्रूमेंट की मदद से बनाया गया है। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। अब इस सेस्मोग्राफ की वजह से ना हमें ये पता चल सकता है कि भूकंप कितनी तेजी से आ रहा है और कितना ज्यादा नुकसान करेगा। कैसे पता चलेगा? जब ये जो ये देख रहे हो ये जो सेस्मोग्राफ की लाइंस अगर लंबी है तो भूकंप काफी तगड़ा है और काफी नुकसान करेगा, लेकिन अगर यही सेस्मोग्राफ की ये जो लाइंस है ये छोटी है, जैसे देखो यहां से लेके यहां तक, तो मतलब भूकंप हल्का है और ये बहुत कम नुकसान करेगा। तो ये था हमारा सेस्मोग्राफ। समझ में आया या नहीं आया? चलो अब देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि लाइक मेनी अदर स्केल्स इन साइंस रिचल स्केल इज नॉट लीनियर। यहां पर कहा गया है कि जो साइंस में ज्यादातर जो स्केल्स होते हैं, जैसे साउंड को मेजर करने के लिए हम डेसिबल स्केल का यूज करते हैं, ये सारे जो स्केल्स होते हैं ना वो लीनियर स्केल्स होते हैं। लीनियर स्केल का मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई चीज लाइन से बढ़ रही है, जैसे देखो हमारी गाड़ी की स्पीड लाइन से ही तो बढ़ती है ना, पहले हमने 10 किलोमीटर पर आर किया, फिर हमने 20 किलोमीटर पर आर किया, फिर हमने 30 किलोमीटर पर आर किया, मतलब ये लीनियर लाइन से बढ़ रही है। लेकिन जो रिचर स्केल होता है ना वो लीनियर स्केल नहीं होता। वो कैसा स्केल होता है? चलो इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो अगर कोई अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, अगर कोई ऐसा भूकंप आया है जिसकी तीव्रता, जिसकी इंटेंसिटी 6 है, और कोई ऐसा अर्थक्वेक आया है जिसकी इंटेंसिटी 4 है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब ये समझोगे कि जो अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और जो अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो 4 वाले से 6 वाला जो अर्थक्वेक है वो थोड़ा ही ज्यादा या थोड़ा ज्यादा नुकसान करेगा, है कि नहीं? आप यही सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है असलियत? क्या है असलियत? यह है कि अगर रिचर स्केल पर केवल 2 पॉइंट मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो अर्थक्वेक है वो 1000 गुना और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, 1000 गुना और ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ऐसा अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 है ना वो 1000 गुना ज्यादा नुकसान कर सकता है ऐसे अर्थक्वेक से जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। समझ में आया रिचर स्केल? सिंपल सी बात यहां पर यह बताई गई है कि जो रिचर स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता। समझ में आया? अब हमने ये देख लिया कि भूकंप क्यों आता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। भूकंप जब आता है तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारी जान बच जाए। चलो पढ़ते हैं कि वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भूकंप कब आएगा, कहां आएगा, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। हमने ये देखा कि जिस भी जगह पर भूकंप आता है वो वहां पर काफी नुकसान करता है, और इसी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम। और इसी के लिए बहुत जरूरी है कि हम ना कुछ सावधानियां बरतें जिससे हम भूकंप से बच सके। समझ में आया? पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन्स, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है? ऐसी ऐसे जगह, जैसे देखो सेस्मिक जोन्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पर भूकंप ना सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा नुकसान करता है, उसको हम सेस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा गया है? कहा गया है कि ऐसे लोग जो सेस्मिक जोन्स में रहते हैं, जो ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर भूकंप आना मतलब आम बात हो गई है, ऐसे इलाके में रहने वाले लोग क्या करें? वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। ऐसे लोग जो ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं, उन्हें ना स्पेशल प्रिपरेशन करनी होती है, उन्हें खास तौर पर भूकंप के लिए ना सावधानियां बरतनी होती है, पहले से ही तैयारी करनी होती है कि भूकंप आए तो वो कैसे बचें। क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन शुड बी शो डिजाइंड दैट दे कैन बी विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। सबसे पहली सावधानी तो ये बरतिए कि
ऐसी जगह जहां पर भूकंप आती रहती है, वैसी जगह अगर कोई बिल्डिंग बनी है ना, उस बिल्डिंग को ऐसा डिजाइन करना चाहिए ताकि छोटे मोटे या बड़े झटके भी आए ना भूकंप के, तो वो बिल्डिंग गिरे ना। ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। जो आज मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं वो भूकंप रोधी होते हैं, अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? चलो, यहां पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्विक सेफ। हमें जो बिल्डिंग बनानी है, हमें इतनी सिंपल, इतने साधारण ढंग से हमें अपनी बिल्डिंग बनानी चाहिए कि अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है तो हमारी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो। समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। आप अच्छे इंजीनियर्स को हायर करिए, ऐसे इंजीनियर्स जो आपके घर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सके। अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स को आप मतलब अपने काम पर रखिए जो आपके ऐसे घर को बना सके ताकि छोटा मोटा अर्थक्वेक आए तो आपके घर को कोई भी फर्क ना पड़े। समझ में आया? इन हाईली सेस्मिक एरियाज, कोई ऐसा इलाका है जहां पर भूकंप अक्सर आता रहता है, द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब कोई ऐसा जगह है जहां पर आए दिन भूकंप आता है तो वहां पर आप सीमेंट और ईट पे घर बनाकर बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप मिट्टी का घर बनाओ वहां पर, आप लकड़ियों का घर बनाओ वहां पर। क्यों? क्योंकि कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, क्योंकि आपको ना अपने घर का छत इतना हल्का रखना है कि अगर छत आपके ऊपर गिर भी जाए ना तो भी कोई फर्क ना पड़े। इसलिए जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं वहां पर लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं या लकड़ी के घरों में रहते हैं। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स, और अगर ये क्यों मिट्टी के घर और लकड़ी के घर में ये लोग क्यों रहते हैं, ताकि अगर कहीं भूकंप आ भी जाए ना तो अगर उनका घर उनके ऊपर गिर भी जाता है तो उन्हें काफी नुकसान ना हो, क्योंकि भाई लकड़ी ऊपर गिरेगी तो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर ईंट बालू पूरी छत ही अंदर गिर गई आपके ऊपर तो आपका बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आता है वहां पर आप मिट्टी के घर बनाएं या लकड़ी के घर बनाएं। समझ में आया? इट इज बेटर इफ द कबर्ड्स एंड सेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजली। आपको क्या करना है, आपके घर में अगर कोई कबर्ड है, आलमारी है, ठीक है, तो आलमारी ना आप अपने दीवार से आप ऐसे करिए कि चिपका के रखिए, मतलब दीवार से फिक्स करके रखिए। अगर आपका घर हिलता भी है तो ऐसी अलमारियां आपके ऊपर ना गिर जाएं। इसलिए आपको आपके घर का जो अलमारी है, जो सेल्फ्स है, उसको दीवार से फिक्स करके रखना चाहिए ताकि वो आसानी से भूकंप आने पे गिर ना सके। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा। अगर आपने अपने घरों में घड़ी लगाया हुआ है कहीं पर, आपने कहीं फोटो फ्रेम टांगी हुई है, या आपने कभी जो पानी गर्म करने वाला हीटर होता है अगर आपने कहीं दीवार पर टांगी हुई है ना, तो आपको क्या करना है, सावधानी से इसे टांगना है ताकि सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। ताकि अगर भूकंप आता भी है तो घड़ियां या जो फोटो फ्रेम्स हो गई या जो पानी गर्म करने वाला हीटर है, भूकंप आने पर आपके ऊपर ना गिर जाए। इसलिए आपको इन चीजों को सावधानी से रखना चाहिए। समझ में आया? सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। अब देखो, कुछ बिल्डिंग्स ना जब भूकंप आता है तो कुछ बिल्डिंग्स में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, मतलब खासतौर पे जो लंबी बिल्डिंग्स है, जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए। वहां पर फायर एक्सटिंग्यूशर होना चाहिए, आग को बुझाने वाला होना चाहिए। हमेशा ऐसी बाल्टी भर के रखो जिसमें पानी हो, जिसमें बालू हो, ताकि अगर बिल्डिंग में आग भी लगती है तो बालू डाल के या पानी डाल के उसे बुझाया जा सके। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं कि द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुर्की हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेजिस्टेंट हाउसेज। अब देखो, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है, एक आप कह सकते हो एक ऐसी जगह है, रुड़की में है। रुड़की, रुड़की आपने जगह का नाम सुना होगा, इंडिया में ही एक जगह है रुड़की, ठीक है। तो रुड़की में एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको इसलिए बनाया गया है ताकि लोग ये जान सकें कि कैसे घर को बनाएं ताकि भूकंप आने पर घर को कोई भी फर्क ना पड़े। क्विक रेजिस्टेंट हाउसेस, क्विक रेजिस्टेंट हाउसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे घर जो भूकंप आने पर गिरे ना, ठीक है। तो ऐसे घर को कैसे बनाया जाए, इस बारे में एक ऐसी जगह है जो जानकारी देती है, उस जगह का नाम है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ में आया? जो कि कहां पर है, रुड़की में है।
इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब देखो, अगर आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो और उस समय भूकंप आता है, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, आपको कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। चलो पढ़ते हैं। पहला, अगर आप घर में हो तो आपको कौन से स्टेप्स, आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है भूकंप आने पर। सबसे पहला ये है कि टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला टेबल है या कोई भी छोटा मोटा टेबल है, प्लास्टिक का टेबल नहीं, लकड़ी का टेबल है अगर, तो उसके नीचे छुप जाओ और तब तक इंतजार करो जब तक भूकंप बंद नहीं हो जाता। समझ में आया? स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। ऐसी चीजों से दूर रहो जो काफी लंबी है, जो काफी भारी है, ऐसी चीजों से दूर रहो, क्योंकि अगर वो आपके ऊपर गिर गई तो आपकी तो भाई जान निकल जाएगी। समझ में आया? इफ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पर सोए हो और तब अचानक भूकंप आने लगा तो क्या करोगे? डू नॉट गेट अप, उठने की कोशिश मत करो। प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पीलो, तकिए से अपने सर को ढक लो ताकि अगर कोई छोटी मोटी चीज गिरती भी है तो वो तकिए पे गिरे, आपके सर पे ना गिरे, आप सेफ रहो। समझ में आया? ये तो तब की बात है जब हम घर के अंदर रहे। जब आप घर के बाहर रहो तब आपको क्या करना है? फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक साफ सुथरा ऐसी जगह ढूंढो जहां पर अगल बगल ना खंभे हो, ना बिल्डिंग हो, ना घर हो, कोई ऐसा साफ सुथरा क्लियर जगह ढूंढो। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड। आपको ऐसे साफ सुथरे जगह पर रहना है जहां पर ना कोई बिल्डिंग हो, ना कोई पेड़ पौधे हो और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स आपके ऊपर से गई हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स भी भूकंप आने से आपके ऊपर गिर जाती है तब भी आपकी जान निकल जाएगी। तो आप इन चीजों से दूर रहें और ग्राउंड, जमीन पर लेट जाएं। जब भी भूकंप आए तो भाई जमीन पर एकदम लेट जाओ ताकि जो लंबी लंबी, जो हैवी हैवी, जो भारी भारी सामान है वो आपके ऊपर ना गिरे। समझ में आया? इफ यू आर इन अ कार और अ बस, अब अगर आप बाहर हो, आप किसी कार में बैठे हो, आप किसी बस में बैठे हो और तब भूकंप आ गया, तब आप क्या करोगे? डू नॉट कम आउट, अपने कार या बस से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, अपने ड्राइवर से ये कहो कि किसी साफ सुथरे मैदान में ले चले जहां पर अगल बगल ना बिल्डिंग हो, ना पेड़ हो, कोई भी चीज गिरने का खतरा ना हो, ऐसी जगह पर आप अपने ड्राइवर से बोलो कि बस वहीं पर लेके जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप, और तब तक अपनी गाड़ी से बाहर ना निकलो जब तक भूकंप के झटके बंद ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फेनोमेना। All the three parts are uploaded from this chapter. I hope आपको ये chapter बहुत पसंद आया होगा यार। Next chapter, chapter number 16 लेके हम अपनी next video में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए video को share करिए, subscribe करिए channel को, video पसंद आया हो तो like करिए। मिलते हैं अपने अगली video में, तब तक के लिए जय हिंद।